ग्रेड 11th. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल डाउट्स ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज एज वेल एज असाइनमेंट विच आई हैव गिवन टू यू. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट द टू सेट्स, दैट इज इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट. राइट, इक्वल सेट, व्हाट इज इक्वल सेट? विच हैज सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट शुड बी सेम, शुड बी सेम. ठीक है, तो मीन्स जैसे ए और बी अगर आप दो सेट ले रहे हो, उनमें एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, दूसरी बात उसमें एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टेकिंग सेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, देन सेट बी इक्वल्स टू x such that x belongs to natural 1, 2, 4. अब ये दोनों सेट क्या है? a equals to b. दोनों सेम कार्डिनलिटी दे रही हैं, चार चार एलिमेंट्स हैं, और दूसरी बात दोनों के एलिमेंट्स भी बिल्कुल सेम है. इक्विवेलेंट सेट्स वो होते हैं हु हैव सेम कार्डिनलिटी, सेम कार्डिनलिटी. राइट, लाइक फॉर एग्जाम्पल, लाइक a इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड b इक्वल्स टू a, b, 4. अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स a कितने हैं? 4. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इक्वल्स टू 3. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इक्वल्स टू 3. तो a और b दोनों कौन से सेट हुए? a एंड b आर इक्विवेलेंट सेट. तो आप इसको ऐसे लिखोगे, a इज इक्विवेलेंट टू b. देखो थोड़ा सा इक्वल है, कार्डिनलिटी इक्वल है, एलिमेंट्स सेम नहीं है. ठीक है, तो ये डिफरेंस है इक्वल सेट का और इक्विवेलेंट सेट का. इक्वल सेट सेम एलिमेंट, कार्डिनलिटी सेम, एलिमेंट सेम. इक्विवेलेंट सेट ओनली कार्डिनलिटी सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफर कर सकते हैं. ठीक है, तो इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकते. ठीक है, तो इक्विवेलेंट इक्वल सेट इक्विवेलेंट की टाइप है. लिख लो बेटा, ये इक्वल सेट्स इज द टाइप ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स. क्योंकि जब इक्विवेलेंट सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाएं, तो आप उनको इक्वल सेट बोल सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल, ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, बी इक्वल्स टू ए बी सी. अब ए इक्विवेलेंट है बी के. ठीक है, अगर मैं कहूँ ए को 1 ले लो, बी को 2 ले लो और सी को 3 ले लो, तो आपका जो बी सेट है वो क्या बनेगा? 1, 2, 3. अब ए एंड बी क्या हो गए? इक्वल. ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं हो सकते. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट. क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज. राइट, मिसलेनियस एक्सरसाइज शो दैट द फॉलोइंग सेट्स आर इक्विवेलेंट. ठीक है, इक्विवेलेंट में देखो उन्होंने चार सेट दिए और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्ट यहाँ पर आपके क्लियर होंगे छोटे छोटे. तो सबसे पहले हमने ये बताना है कि ये सेट इक्विवेलेंट है या नहीं. तो क्वेश्चन सीधा जाता है किस पे? कार्डिनलिटी पे. मीन्स आपने ये देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स के सेम है या नहीं. राइट, बस ये क्वेश्चन है कि फर्स्ट पार्ट में जितने एलिमेंट्स हैं, क्या उतने ही एलिमेंट्स बी पार्ट में हैं, उतने ही एलिमेंट सी पार्ट में हैं और उतने ही एलिमेंट फोर्थ पार्ट में हैं. तो हम कहेंगे कि ये सेट आपस में क्या है? इक्विवेलेंट है. राइट, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं. फर्स्ट पार्ट इज ए सबसेट ऑफ बी. ए और ए सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या है? जो ए सेट है वो किससे बना है? बी सेट से. बी सेट है, ए इज सबसेट ऑफ बी. ठीक है, तो ये ए सेट इतना सा है. राइट, तो अब हमें नहीं पता इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनेटली मैनी भी हो सकते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते. ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका. सेकंड पार्ट इज ए माइनस बी इक्वल्स टू 5. मीन्स कि ए माइनस बी 5 है. अब इसी वेन डायग्राम पे देखो, ए माइनस बी, अगर आप ए में से, ये ए है, ए में से बी के सारे एलिमेंट्स निकाल दो तो आपको क्या मिलेगा? बोलो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा ना, एम्प्टी होगा. देखो ना, ये सेट ए है, ये सेट बी है, क्योंकि हमने पहले और दूसरे को चेक करना है ना, रिलेट करना है, तो पहले की एग्जांपल दूसरे के साथ रिलेट करनी पड़ेगी. ए में से बी के सारे एलिमेंट निकाल दो, जब आप ए में से बी सारा निकालोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, एम्प्टी मिलेगा. इट मींस फर्स्ट
और सेकंड सेम है, फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड, राइट? ठीक है, अब देखो जब आप ए माइनस बी को एम्प्टी ले रहे हो, मीन्स आपके पास मान लो ए सेट है, कोई ये बी सेट है, अब मैं देखती हूँ क्या सेकंड इंप्लाइज फर्स्ट होता है, क्या सेकंड इंप्लाइज फर्स्ट आता है हमारे पास. वेट, लेट मी सेट द कैमरा. तो यहाँ देखो बेटा, अब मैं सेकंड सेट ले रही हूँ, ए माइनस बी इक्वल्स टू एम्प्टी. आप चेक करो कि ए माइनस बी एम्प्टी है. ए माइनस बी मीन्स अगर आप ए में से सारा बी निकाल दो तो आपको क्या मिलता है, अगर आप ऐसे सेट लेते हो तो आपको ए मिलता है ओनली ए, मतलब ये तो डायग्राम इस पर फिट ही नहीं हो रही. इट मीन्स ये एम्प्टी कब होगा, जैसे देखो मैं यहाँ से एलिमेंट उठा रही हूँ, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी. इसका मतलब क्या है कि एक्स ए को बिलोंग करेगा, ठीक है, एंड एक्स डजंट बिलोंग्स टू बी, बी को बिलोंग नहीं करेगा, राइट? तो अब उन्होंने दे दिया फाई, दिया हुआ है एम्प्टी दिया हुआ है हमें, मतलब कि ए माइनस बी में जो भी सेट है वो एम्प्टी है, मतलब फाई बिलोंग्स टू ए एंड फाई डजंट बिलोंग्स टू बी. अगर फाई बी को बिलोंग नहीं करता तो फाई किसको बिलोंग करेगा, बी के कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है. तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर आप ये वाली एग्जांपल देखो, खाली है सेट, ठीक है, सेट एम्प्टी है, एम्प्टी सेट बिलोंग करता है हर एक सेट को, एम्प्टी सेट बिलोंग कर रहा है ए को और एम्प्टी सेट बिलोंग कर रहा है बी कॉम्प्लीमेंट को. तो ये कंडीशन कब होगी, ये कंडीशन तभी होगी जब आपके पास ए सेट छोटा होगा, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक, फाइव बिलोंग्स टू ए, चलो आप ये रहने दो, फाइव रहने दो, आप ऐसे करो, ऐसे कर लो, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट. अब देखो एक्स ए को बिलोंग करेगा और एक्स बी कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा, बी ये बी है ना, तो बी का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं सेट को बाहर निकाल दूं, यहां पे निकाल दिया मैंने, चलो मान लो, ठीक है. अब देखो एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, एक्स बी के कॉम्प्लीमेंट को भी बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट में ए ही तो आएगा. इट मीन्स ए जो सेट है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ए सेट हमेशा छोटा होगा, ए इज ऑलवेज सबसेट ऑफ बी. तो आपको इतना एक्सप्लेन नहीं करना, आप बेटा वेन डायग्राम ड्रॉ करो और आपका क्वेश्चन क्लियर है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन की हमने वेन डायग्राम ड्रॉ की, ये बन गई. सेकेंड पार्ट की वेन डायग्राम ड्रॉ करो, मतलब ए और बी, ये ए है, सॉरी ये बी है, ये ए है, ए में से जब आप बी एलिमिनेट करोगे आपको फाइव मिलेगा, तो यही वेन डायग्राम बनेगी, इसके अलावा कोई और ऑप्शन बनती नहीं है, ठीक है. थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन इज ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी, मतलब जब आप ए और बी की यूनियन करते हो वो बी के इक्वल ही आती है, तो वो कौन सा सेट होगा बताओ. जब आप ए और बी की यूनियन करते हो, ये देखो यही सेट बनेगा, जब आप ए और बी की यूनियन करोगे आपको हमेशा बी ही मिलेगा, यही मिलेगा सारा कुछ. तो यही सेम डायग्राम फिर बन गई हमारी, इसी की हमने जब वेन डायग्राम ड्रॉ की, यही बन रहा है, इसके अलावा कोई और केस बनेगा ही नहीं, ठीक है. चौथा केस देखो, ए इंटरसेक्शन इक्वल्स टू ए. अब मैंने चलो दोनों अलग 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 सेट ले लिए, ए और बी के इंटरसेक्शन ए के इक्वल होने चाहिए, कैसी वेन डायग्राम बनाओगे, बनाओ कैसी बनाओगे, यही तो बनेगा, ए और बी की इंटरसेक्शन ए ही होनी चाहिए, मतलब यही बननी चाहिए. तो यही डायग्राम बन गई, चारों क्वेश्चंस की सेम डायग्राम बन रही है. डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, लिख दो देयरफॉर फर्स्ट इक्विवेलेंट टू सेकंड, सेकंड इज इक्विवेलेंट टू थर्ड, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, फर्स्ट पार्ट इक्विवेलेंट टू सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और फिर फोर्थ के बारे में भी लिख दो, फोर्थ इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट. वेन डायग्राम से बेटा सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे जल्दी से समझ आ जाते हैं. तो इस क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम से करोगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ आएगा. अगर आप एक्स बिलोंग्स टू एलिमेंट्स वगैरह लेके करोगे या सेट लेके करोगे, सेट लेके भी कर सकते हो, चलो ए और बी दो डिफरेंट डिफरेंट सेट ले लो, ए को ले लो आप, पहले बी सेट लोगे ना, चलो मैं वो भी करके दिखा देती हूँ. अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो ए को मैंने लिया, पहले बी लेंगे ना, बी बड़ा सेट है, बी को मैंने लिया 1 2 3 4 और ए को मैंने ले लिया 2 3, ए सबसेट ऑफ बी, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया. सेकंड के लिए देखो, ए में से बी निकाल दो, ये ए है, ए में से जब आप बी निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, 2 - 2 0, 3 - 3 0, माइनस में तो लिखते ही नहीं सेट, मतलब ए में से बी निकालना है, बी निकाल दो 5 बच गया. थर्ड देखो, थर्ड पार्ट के लिए देखो क्या है, ए यूनियन बी, ए और बी की यूनियन करो,
ए और बी की जब आप यूनियन करोगे 1, 2, 3, 4 ये यूनियन आएगी विच इज इक्वल टू बी, ठीक है। चौथी फोर्थ पार्ट इज ए और बी के इंटरसेक्शन करो, ए इंटरसेक्शन बी, जब आप ए और बी का इंटरसेक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2, 3 विच इज इक्वल टू ए। तो आप अपने से बेटा एग्जाम्पल्स जनरेट करके क्वेश्चंस कर सकते हो, पैनिक नहीं होना होता वहाँ पर। वेन डायग्राम एक बहुत अच्छा टूल है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अपने दिमाग में वेन डायग्राम बनानी सीखो किस तरह से बनेगी, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए अंदर होगा बी के, ठीक है। अगर बी ए का सबसेट है तो बी को आप इनसाइड रखोगे ए के। तो ये कुछ कुछ ये रिजल्ट्स, जैसे ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी, तो हमेशा इसकी वेन डायग्राम ऐसी ही बनेगी, ठीक है। जैसे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए, ये भी वेन डायग्राम आपकी ऐसी ही बनेगी। तो ये जब इमेजेस आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी तो क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू। हेलो ग्रेड 11, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 5। इफ ए सबसेट ऑफ बी देन प्रूव दैट सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ये मैंने रेड कलर से क्यों डाला, क्योंकि ये आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। मतलब क्वेश्चन इनडायरेक्टली ये बनता है कि c माइनस ए और दिस इज c माइनस बी, ये एक दोनों के सबसेट है, ये हमने प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से नहीं करेंगे। जब भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आएंगे सबसेट वाले या इक्वल वाले के, इक्वल करो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, अब यहाँ से कोई एलिमेंट उठा लो x, हमने ऐसे डी मॉर्गन्स लॉ किया था ना प्रूव, कोई भी एलिमेंट उठा लो क्योंकि ये सेट खाली तो नहीं है ना, इसमें कुछ ना कुछ तो पड़ा है, मान लो कि उसमें x पड़ा है, राइट। लेट x बिलोंग्स टू c माइनस बी। अब c माइनस बी की डेफिनेशन लगा दो, c माइनस बी की डेफिनेशन क्या होती है, x c को तो बिलोंग करेगा एंड x डजंट बिलोंग्स टू b, राइट। अब देखो x b को बिलोंग नहीं कर रहा, x b को बिलोंग नहीं कर रहा। अब देखो आपको गिवन है यहाँ पर ए सबसेट ऑफ बी, कि बी कोई बड़ा सेट है, ए छोटा सेट है, ए सबसेट है बी का। अगर कोई एक्स बी को नहीं बिलोंग कर रहा तो क्या वो ए को बिलोंग कर सकता है, बताओ, कर सकता है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया ना, नहीं करेगा ना। एक्स डजेंट बिलोंग्स टू ए, क्या रीजन दोगे, बिकॉज ए इज सबसेट ऑफ बी, इफ x doesn't belongs to b, this implies that x doesn't belongs to a. Venn diagram से क्लियर हो गया, आई थिंक मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो x a को belong नहीं कर रहा, तो अगर x c को belong कर रहा है, a को belong नहीं कर रहा, तो x किसको belong करेगा, c माइनस ए को बिलोंग करेगा। अगेन हमने डिफरेंस की डेफिनेशन यहाँ पर अप्लाई कर दी, तो हम लेके चले थे कि x तो c माइनस बी में पड़ा है, हमने x को कहाँ पर पहुँचा दिया, c माइनस ए में पहुँचा दिया। देयर फोर सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ c माइनस ए, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता तो हम यहाँ से भी एलिमेंट लेते और यहाँ तक लेके जाते, लेकिन यहाँ पर वन साइडेड क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट डाउट वाज आई थिंक 6 क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इफ पावर सेट ऑफ ए, पी ए का मतलब यूनिवर्सल है ये रिजल्ट, पी ए का मतलब पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। P का हमेशा सेट में मतलब पावर सेट ही होगा, कुछ और नहीं होगा। पावर सेट ऑफ A इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ B टू प्रूव A इक्वल्स टू B। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने का मेथड क्या है, जब भी आपने प्रूव करना है कि A और B इक्वल हैं, तो एक्चुअल में आप क्या प्रूव करोगे कि A सबसेट है B का एंड B इज सबसेट ऑफ A, A subset of B and B subset of A. This is the method when you are to prove equality between the two set. चाहे कोई भी question आपके पास आ जाए, हमेशा आपने इस तरह से ही करना है, A subset of B, B subset of A. So students, I have taken two cases here, A subset of B and B subset of A. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि A सबसेट है B का, तो हम क्या करेंगे, X बिलोंग करेगा A को। अगर कोई एलिमेंट A को बिलोंग कर रहा है तो उस एलिमेंट का सेट किसको बिलोंग करेगा, पावर सेट को। ये डेफिनेशन है ना पावर सेट की, आपको याद है ना पावर सेट कैसे बनाया था। अगर जैसे ये 1, 2 एलिमेंट ले लिए तो इसके पावर सेट क्या बनेंगे, सबसे पहले तो एक 5 बनेगा, फिर 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा, देन 1, 2, ये पावर सेट्स बनते हैं ना। तो जब भी आप पावर सेट बनाते हो एलिमेंट पे ब्रैकेट डाल देते हो,
ठीक है। तो सेम केस मैंने यहाँ किया, जब भी आप x एलिमेंट लोगे तो x का जब आपने पावर सेट बनाया तो उस पर ब्रैकेट लग गई, ठीक है। अब x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a, लेकिन पावर सेट ऑफ a किसके इक्वल है, चेक करो गिवन में, पावर सेट ऑफ a इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ b बिलोंग्स टू b। क्या रीजन दोगे, बिकॉज p a इक्वल्स टू p b, राइट। तो ये b को बिलोंग कर गया, अगर ये पावर सेट ऑफ b को बिलोंग कर रहा है तो x किसको बिलोंग करेगा, b को। दिस इम्प्लाइज दैट a इज सबसेट ऑफ b, दिस इम्प्लाइज दैट a इज सबसेट ऑफ b, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब आप b में से एलिमेंट उठाओगे, y ले लेते हैं, लेट y बिलोंग्स टू b। अगर y b को बिलोंग कर रहा है तो y का पावर सेट किसको बिलोंग करेगा, पावर सेट ऑफ b। अब पावर सेट ऑफ b किसके इक्वल है बोलो, पावर सेट ऑफ a के इक्वल है। तो अगर पावर सेट ऑफ y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a, तो y किसको बिलोंग करेगा, a को। तो y b से लेके चले थे, y को a में पहुंचा दिया, दिस इम्प्लाइज दैट b इज सबसेट ऑफ a ऑन कंबाइनिंग रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2, a इक्वल्स टू b, राइट, a इक्वल्स टू b, हेंस प्रूव्ड। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, लेट a एंड b आर टू सेट, देन इज इट ट्रू पावर सेट ऑफ a यूनियन पावर सेट ऑफ b इक्वल्स टू यूनियन ऑफ पावर सेट, मीन्स यूनियन ऑफ ए एंड बी, उसका पावर सेट लेना है। तो ये हम इसको जर्नल एक एग्जाम्पल लेके प्रूव करेंगे, और कोई मेथड फिलहाल तो नहीं है, और बहुत लेंथी होगा। तो हमने उन्होंने इज इट ट्रू बोला ना, इज इट ट्रू के लिए हम एक ऐसी एग्जाम्पल दे देंगे जो इसको झूठा प्रूव कर देगी, ठीक है। लेट ए इक्वल्स टू 1, 2 एंड बी इक्वल्स टू 2, 3, आप कोई भी सेट ले सकते हो, एक आधा एलिमेंट कॉमन ले लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पावर सेट ऑफ ए, क्या आएगा पावर सेट, 5, 1, ज़्यादा बड़े सेट नहीं लेने क्योंकि पावर सेट फिर बहुत लेंथी हो जाते हैं, ठीक है। पावर सेट ऑफ बी बनाओ, 5, 2, 3, 2, 3, ठीक है। अब पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी की यूनियन ले लो, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। तो अब आप यूनियन लेके देखो क्या आएगा, 5, 1, 2, 3, 1, 2 एंड 2, 3, तो ये आपके पास सेट बन गया किसका, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें निकालना है ए यूनियन बी, फिर उसका पावर सेट बनाना है। तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी इज देखो ए और बी की यूनियन, 1, 2, 3। अब इसका पावर सेट बनाओ, तो पावर सेट जब आप बनाओगे, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी देखो क्या क्या बनेगा, एक तो 5 बनेगा, फिर इंडिविजुअल्स बनेंगे 1, 2, 3, उसके बाद दो दो के बनेंगे 1, 2, 2, 3, ये कॉमास आएंगे बीच में, 3, 1 या 1, 3, उसके बाद कौन सा सेट बनेगा, 1, 2, 3। बेटा 1, 3 लिखो, 3, 1 लिखो, ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट में, लेकिन ऑर्डर मैटर करता है किस में करता है, ऑर्डर्ड पेयर में, रिलेशन में मैटर करता है, यहाँ नहीं मैटर करता, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया, तो ये है, ये सेम है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, ये तो है ही नहीं बेटा, ये वाले एलिमेंट्स नहीं है ना, तो आप क्या कहोगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है, नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू, राइट। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, सो थैंक यू। सो क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, A इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। तो बेटा इसका प्रूफ बहुत लेंथी है, शायद आपको समझ भी ना आए, काफ़ी बेसिक कंसेप्ट इसमें यूज़ हुए हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को अभी के लिए मैं इसको बेटा हम क्लास में डिस्कस करेंगे, अब याद रखना, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ आपको इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हमने क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होगा, इंटरसेक्शन बी इज दिस पार्ट, ये आप सेट ए ले लो, दिस इज सेट बी, हमने ए इंटरसेक्शन बी को ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी बेटा देखो किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी इज दिस, ये ए माइनस बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी है। अगर आप दोनों की यूनियन करोगे तो आपको कौन सा सेट मिलेगा, बताओ बताओ जल्दी से, कौन सा मिलेगा, ए, ठीक है। तो ये मैंने वेन डायग्राम ड्रॉ कर दी है,
इसका प्रूफ काफी लेंथी है शायद, क्योंकि बोर्ड में इस बोर्ड, ये बोर्ड छोटा है, बार बार मैं रब करूंगी आपको नहीं क्लियर होगा, फिर डाउट्स आएंगे, ठीक है। फिलहाल वेन डायग्राम समझो, ठीक है। पेपर में दो नंबर का आता है तो वेन डायग्राम ड्रॉ कर देना, 4 मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स का आता है तो सॉल्व करेंगे, करेंगे लेकिन क्लास में करेंगे, ठीक है। इस पार्ट पे आओ, इसकी भी वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ए और बी दो सेट लिए, दिस इज ए दिस इज बी। सबसे पहले बी माइनस ए देखो क्या है, बी में से ए निकाल दो, बी माइनस ए इज दिस, दिस इज बी माइनस ए। और जब आप बेटा ए के साथ इसकी यूनियन करोगे, बी माइनस ए की ए के साथ यूनियन करोगे, ये ए है ना, तो आपको क्या मिलेगा बताओ, क्या मिलेगा? ए यूनियन बी तो मिलेगा, विच इज इक्वल टू ए यूनियन बी। तो मैंने इसको डायग्राम से बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, प्रूफ करेंगे रिटर्न वाला, वो एक्स बिलोंग्स टू दिस दिस, वो काफ़ी लेंथी है तो उसको क्लास में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इतना बहुत है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट सम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाइन्थ सम, टू प्रूव ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए, ठीक है। इसका एक और पार्ट है, तो सबसे पहले देखो इसको कैसे करना है। अब बेटा यहाँ पर ऐसे नहीं करना कि यहाँ से एलिमेंट लिया इसमें पहुँचा दिया, यहाँ से लिया इसमें पहुँचा दिया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अकेला ए पड़ा है। अगर आप ए में से एलिमेंट उठा भी लोगे तो उसको कहाँ लेके जाओगे? जैसे सपोज मैंने यहाँ से एलिमेंट उठाया x belongings to a, आगे मैं क्या करूँगी, मुझे नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, हमको पता है कि एक सेट अपने सेट का सबसेट होता है, a सबसेट ऑफ a ऑलवेज। अब मुझे ये बताओ कि जो a इंटरसेक्शन b है, अगर आप दो सेट लेते हो, यहाँ पर a एंड b आर टू सेट्स, मैंने इन्हें कंप्लीट स्टेटमेंट लिखी है, a एंड b आर टू सेट, ठीक है। अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो a और b की, a और b के इंटरसेक्शन किसका सबसेट होगी? a का भी हो सकती है, b का भी हो सकती है सबसेट, क्योंकि अगर आप a और b दो सेट ले रहे हो, ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन इसका भी सबसेट हो सकती है, इंटरसेक्शन इसका भी हो सकती है, लेकिन हम a का ही लेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, a सबसेट ऑफ a, a सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b सबसेट ऑफ a, आपको क्या चाहिए? नंबर वन और नंबर टू की यूनियन चाहिए, यूनियन कर दो, टेकिंग यूनियन ऑफ वन एंड टू, तो आपको क्या मिलेगा? a यूनियन a इंटरसेक्शन b इज सबसेट ऑफ a, ठीक है। दोनों की अगर आप यूनियन करोगे, a यूनियन a इंटरसेक्शन b सबसेट ऑफ a, ये आपका फर्स्ट पार्ट, मतलब फर्स्ट हमने सबसेट करवा दिया। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट पार्ट में देखो आप क्या कहोगे, ऑल्सो a जो सेट है, a सेट हमेशा सबसेट होगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। लाइक अगर आप इसकी डायग्राम भी ड्रॉ करके देखोगे तो आपको सबसेट ही मिलेगा, ए सबसेट ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो दिस इज थ्री, दिस इज फोर, फ्रॉम थ्री एंड फोर ए इक्वल्स टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो क्वेश्चन का तरीका क्या है करने का, सबसे पहले आप लेके चलोगे ए, ए का सबसेट है, ए इंटरसेक्शन बी अगर इसमें कुछ कॉमन हुआ तो वो ए का सबसेट होगा, ठीक है। यूनियन ले लो, इसकी और इसकी यूनियन ले लो, आपके पास ये वाली साइड बन जाएगी, आइडिया यहाँ से मिलेगा कि हमने यूनियन लेनी है, यूनियन इज सबसेट ऑफ ए। अब ए तो है, जो ए सेट है हमेशा ही ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट होगा, वेन डायग्राम ड्रॉ करो क्लियर हो जाएगा आपको। तो सारे रिजल्ट्स कंबाइन करके हमें मिला ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए, राइट। नेक्स्ट में हमने ये प्रूव करवाना है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए, तो इसको कैसे करोगे? यस, लेट ए सबसेट ऑफ ए, और ए किसका सबसेट होगा? ए यूनियन बी का, यूनियन का सबसेट हमेशा ही होता है सेट, ठीक है। ए ए का सबसेट है, ए ए यूनियन बी का सबसेट है, तो ए सबसेट हो गया ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, कंबाइन कर दो रिजल्ट वन और रिजल्ट टू, यहाँ पे सीधा लिख दो, taking intersection of 1 and 2, क्या मिला आपको? A subset of A intersection A union B, ठीक है। अब देखो बेटा, intersection जो होती है वो किसका subset होगी? A set का तो जरूर होगी ना subset। Now
ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ए सबसेट ऑफ ए, ड्रॉ द वेन डायग्राम। ये देखो ए और बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी अगर आप लेते हो, ए बी, ए यूनियन बी मैंने किया तो ये ए का ही सबसेट आ रहा है अगर मैं यूनियन भी लूंगी, ठीक है, तो वही चीज़ बन रही है हमारे पास। आप डिफरेंट डिफरेंट करके भी ले लो तो भी वही बनेगा। देयरफोर ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो ये भी आपका प्रूव हो गया है। नहीं तो आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, ऐसे नहीं भी करना तो भी इट्स ओके। वेन डायग्राम ड्रॉ करके शेडेड कर दो पोर्शन, मार्क्स मिल जाते हैं बेटा पेपर में।